पता है क्यों? हमारे तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं जिसका भेद अभी तक कोई जान नहीं पाया। हम अपने साथ आने वाले जंग के नतीजे पर हमारी जीत की मोहर अभी से ही लग चुकी है। ऐसे में आज तुम सबकी मुलाकात एक ऐसे नायाब चीज से करवाने वाला हूं जिसकी ताकत को देखकर तुम सबके होश उड़ जाएंगे। मानसी धामने और स्वागत है आप सबका फिर एक बार जिन पे हमें नाज है के ब्रांड न्यू एपिसोड में। हमारी टीम की हर बार यही कोशिश रहती है कि उस हर एक व्यक्ति से आप सभी को रूबरू कराए जिन्होंने हमारे शहर उल्लासनगर का नाम देश विदेश व हर एक कोने में जाकर नाम रोशन किया है। तो इस बार मैं आप सभी को मिलाने जा रही हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने टॉलीवुड से बॉलीवुड से हॉलीवुड से लेकर वेब सीरीज तक में अपना नाम रोशन किया है। और हाँ, पहले भी इस व्यक्ति से मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्टर अमित लेखवानी की। पहले भी आप हमारे शो में आ चुके हो, तो फिर से आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारी टीम वही है और वही एनर्जी, वही पॉजिटिव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ मतलब आप लोगों से मिलकर। ग्रेट। तो पहले तो हमने काफ़ी आपके जर्नी के बारे में, आपके करियर के बारे में कई बार तो बात कर ली है, लेकिन इस बार हम करेंगे थोड़ी सी डीप कन्वर्सेशन। डेफिनेटली। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी, एक्टर अमित की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? मेरी जर्नी उल्लासनगर से स्टार्ट हुई है, क्योंकि जब मैं स्कूल लाइफ में था और मतलब अराउंड 1999 में मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था कि मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए और मैंने था कि यार कुछ अलग करना है तो एक वे है कुछ करने के लिए। तो मुझे लगा कि हाँ यार, भीड़ में खड़ा रहना है कोई मतलब नहीं है, भीड़ में एक बंदे को कैसे पहचाना जाएगा। तो मुझे लगा यार कुछ तो अलग करना चाहिए। बचपन से मुझे कुछ था कि यार कुछ तो अलग करना है, कुछ तो अलग करना है। तो मुझे फिर लगा यार एक्टिंग में कुछ कर सकते हैं। आई थिंक 1999 में और 2000 में मैंने पहला एक्टिंग स्टार्ट किया था। मैंने उल्लासनगर में मेरे सर हैं दीपक वाटवानी जी, मैंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया और तब से लेकर अभी तक मैंने उल्लासनगर के जितने भी दिग्गज हैं, जूली जी हैं, चंद्र जी हैं, ओम जी हैं, जय सर जय हैं, मैंने सबके साथ काम किया। और मुझे अभी ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके उल्लासनगर में, मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है और हर सीनियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। और क्या बोलूँ, मतलब मुझे यू नो आई फील प्राउड कि यार मैंने अपने सिंधी इंडस्ट्री में रह के मैंने अपना बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ कमाया है मैंने। कमाया मतलब इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि मैंने अपना नाम कमाया। तो जब बचपन से ही आप में था कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ या मैं थिएटर फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो आपने MBA क्यों किया? यार एक्चुअली क्या था ना कि मैं 2005 में जब मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करना है, मैं बॉम्बे भी गया था। बॉम्बे में मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि यार करना मुझे एक्टिंग ही है पर पता नहीं मुझे करना क्या। कब मुझे कोई बोलता है अमित क्राउड में करोगे, मैंने बोला हाँ करूँगा। कब कोई मुझे बोलता है आप डांसिंग करोगे, मैंने बोला हाँ करूँगा। कब कोई बोलता है यार एक्टिंग करोगे, करूँगा। करना क्यों था कि बिकॉज मुझे पैसे कमाने वो टाइम में, बट एग्जैक्टली मुझे करना क्या था मुझे नहीं पता। जहाँ पे मैं रहता था मैंने बोला सर मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैंने अपना जर्नी को कम बैक किया, वापस उल्लासनगर में आया, अपने आप को प्रिपेयर किया। मैंने वहाँ पे रह के ये सीखा यार कि जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो बहुत या तो अच्छे क्वालिफाइड हैं या तो उनका अच्छा बैकग्राउंड है। तो मैंने सोचा कि मेरा बैकग्राउंड तो स्ट्रांग नहीं है बट एटलीस्ट आई कैन डू समथिंग इन क्वालिफिकेशन। तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को स्ट्रांग किया
और स्ट्रॉन्ग करते करते मैंने फिर कॉल सेंटर ज्वाइन किया। कॉल सेंटर के साथ अब यार मुझे कॉल सेंटर से निकलना भी तो है क्योंकि मुझे एटलीस्ट इंडस्ट्री में ट्राई करना है। कॉल सेंटर करते करते मैंने एमबीए को मैंने एक इम्पोर्टेंस दिया, नहीं यार मुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे एमबीए भी करना पड़ेगा ताकि यू नो इन फ्यूचर में अगर मैं इन एक्टिंग में सक्सेस नहीं होता हूँ विद एनी रीजन, सो यू नो आई हैव वन डिग्री की आई कैन सर्वाइव माई लाइफ विद अ गुड गुड लाइफ स्टाइल। या सो दैट्स रीजन मैंने एमबीए किया वहाँ से। एटलीस्ट वहाँ से निकलने के लिए मेरे हाथ में डिग्री चाहिए थी, सो आई डन एमबीए। एंड आफ्टर डूइंग एमबीए आई एम मोर कॉन्फिडेंस यू नो कि अभी मैं किसी को बोल सकता हूँ, आप कोई पूछता कि यार आपने क्या किया, मैं बोलता हूँ यार आई एम एमबीए इन मार्केटिंग, बाकी एक्टिंग तो अलग बात है। तो वो आप में एक डेडिकेशन था कि ठीक है अभी मतलब मैं एक साइड के लिए तो मैं एक एमबीए की डिग्री ले रहा हूँ बट मुझे एक्टर ही बनना है। वैसे अगर आजकल के यंगस्टर को देखा जाए तो माहौल ही ऐसा बन गया है कि हम बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, हम सोचते हैं अरे हुआ नहीं छोड़ दो अब हम कुछ और करेंगे। तो वो एक डेडिकेशन का क्या रास्ता? डेडिकेशन का यही रास्ता कि यार मेरे अंदर एक ही जुनून है। मेरे दोस्त लोग भी कहते हैं यार मेरे एक फ्रेंड है मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 सालों से। तो गलती से ना एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे दोस्त से पूछा यार मुझे एक्टिंग करना है मैं क्या करूँ। उसने बोला देख उसके लिए तुझे पहले पागल होना पड़ेगा। बोला कैसे? बोला देख सामने बंदा खड़ा है अमित लेखवानी, इसके जैसा डेडिकेशन मैंने कभी देखा नहीं। वो सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ, अपने करियर, अपने फैमिली, अपने रिलेशंस, सब कुछ छोड़ के एक ही चीज़ के पीछे पड़ा और कुछ करता नहीं है, बस एक्टिंग करना है, एक्टिंग करना है, बस एक्टिंग करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने मतलब ना मुझे बस यही करना था। उसके अलावा मैंने देख जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मार्केटिंग भी की है, मैंने कॉल सेंटर में भी जॉब किया है, मैंने इंश्योरेंस में भी काम किया है, बट एट द एंड यू नो आई लिव फॉर माई ड्रीम। कि काफ़ी लोग उस चीज़ अचीव नहीं कर पाते बिकॉज कैसा है कि हर किसकी सर्कमस्टेंस फाइनेंशियल फैमिली रहती है, बट विद ग्रेस ऑफ गॉड मुझे स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी फैमिली के लिए, बिकॉज क्या है ना कि एनी वेज जब बच्चा बड़ा होता है फैमिली को फाइनेंस चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा बट एट द एंड जैसे जैसे मेरी ग्रेस बढ़ती गई, जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया, दे विल फील हैप्पी प्राउड, मतलब दे फील नाउ हैप्पी यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है, इट इज़ लाइक दैट। तो मुझे वहीं से अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिला यार करते चलो करते चलो। जो पेरेंट्स के सपोर्ट के बाद, फ्रेंड्स के सपोर्ट के बाद, राइट तो जो पेरेंट्स हैं जो कि समझते हैं कि एक्टर के जो फील्ड है या थिएटर फील्ड जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा मींस एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्चुअली आजकल का टाइम पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है, तो उन पेरेंट्स या उन यंगस्टर्स से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ डेफिनेटली मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। उसके पहले आपका जो पहला क्वेश्चन था आई थिंक सो उसको मैंने प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किया, आई कैन कंटिन्यू विद दैट। मैं जो भी इस फील्ड में है आई डू सजेस्ट यू वन थिंग, बी आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आपको करियर में आगे ग्रोथ करना है, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस हो, कोई भी फील्ड हो, आपको अपने अंदर बहुत 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 पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि उन चीज़ों को जस्टिफाई कर सको, उन चीज़ों को समझ सको, ताकि आपको आगे चल के एक अच्छा मौका मिलेगा, देन यू कैन किल द फ्लो। एंड जैसे कि आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, पेरेंट्स जो जस्टिफाई सपोर्ट ही नहीं करते, मैं उनसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उनको सपोर्ट कीजिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। बिकॉज कैसा है ना कि जैसे कि हमने एक मूवी देखी थी 3 Idiots, उसमें बच्चों को कैसे करते हैं कि यार जो माँ बाप ने बच्चों के लिए सोचा है उनको वही करना है, बट एटलीस्ट ना अभी बच्चों को सोचने का मौका दीजिए, एटलीस्ट यू नो उनको एक मौका दीजिए कि उनको ये ना लगे एट द एंड एट इन एज के बाद कि यार मैंने अपने सपनों को नहीं जिया, मैंने मुझे जो करना था या मुझे फुटबॉलर बनना था, मुझे क्रिकेटर बनना था, मुझे एक्टर बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था, बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने वो अचीव नहीं किया। तो आई डू सजेस्ट फैमिली मेम्बर्स कि उनको एक मौका और सपोर्ट डेफिनेटली करो देना चाहिए। यस ओके, तो आपका फर्स्ट ब्रेक आपको कब मिला इस एक्टिंग फील्ड में?
फर्स्ट ब्रेक जैसे कि मैंने उल्लासनगर में तो काफ़ी सालों से मैं थिएटर करता ही था, और फर्स्ट ब्रेक मैंने उल्लासनगर में एक मूवी की थी, हिक बर्थडे, बाबा गुडिया ने दीपक सर के साथ। तो वो जब मूवी रिलीज हुई, आफ्टर रिलीजिंग दैट मूवी मुझे मतलब यह लगा, मुझे कुछ तो लगा कि यार मैंने थोड़ा काम किया, बट द वे पब्लिक लव दैट कैरेक्टर, आई एम सरप्राइज। तो मुझे वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। ऐसे करते करते मैंने उल्लासनगर में काफ़ी काम किया मुझे, और हर प्रोजेक्ट के बाद जितनी भी मेरी मूवीज रिलीज हुई, जितने भी मैंने काम किए उल्लासनगर में, मुझे बहुत 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 प्यार मिला ऑडियंस से। और आफ्टर दैट कि मुझे लगा नहीं यार, अभी हमें हमें एक स्टेप आगे चलना चाहिए। उल्लासनगर तो मेरा घर है, अपनी सिंधी कौम तो मेरी एक फैमिली है, तो मैं वहाँ से तो दूर हुई नहीं। बट आफ्टर दैट मुझे एक एक अपनी लाइफ को टर्न देना था, एक मोटिव देना था। उसके बाद मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे करते मैं चलता था। तो ये आपकी जैसी फर्स्ट मूवी थी, तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक रिव्यू मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उस मूवी के बाद आपको रिवर्ट कैसे मिला था, और वो रिवर्ट से, वो पॉजिटिविटी से आप कैसे आगे बढ़े? रिवर्ट यही था कि मैंने अभी तक जैसे कि मैंने जो भी कैरेक्टर प्ले किया मोस्ट ऑफ नेगेटिव ही किया है, और जब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं तो पब्लिक पहले गाली देती है। तो ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, उस फिल्म में एज आपका वो फर्स्ट फिल्म था, आपका फर्स्ट रोल क्या था उस? उसमें मैंने एज एन काफ़ी एज का कैरेक्टर प्ले किया था। उसके बाद एक मेरी मूवी आई थी सन ऑफ सिंधी, उसमें भी मेरा बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर था। आफ्टर मूवी रिलीजिंग दैट मूवी, ऑडियंस उस कैरेक्टर को इतनी गंदी गाली दे रही थी, उसको मारना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। तो आफ्टर दैट ना मुझे काफ़ी लोगों ने बोला यार ये गाली नहीं है, ये पब्लिक का प्यार है उस कैरेक्टर की, तेरे लिए नहीं है। तो वो दिन ब दिन मतलब हर एक चीज़ को मैंने पॉजिटिव लिया और अपने आप में इनबिल्ड किया और कुछ ना कुछ करता रहा। एन नंबर ऑफ सिंधी फिल्म्स करने के बाद, अनगिनत बॉलीवुड करने के बाद, हॉलीवुड करने के बाद, साथ ही साथ वेब सीरीज करने के बाद भी, मीन्स इसकी तो आई थिंक सो गिनती होगी नहीं। आई थिंक आपको भी एक फिगर याद नहीं होगा कि मैंने कितना काम मैं कर चुका हूँ इस फील्ड में, बट एक रिसेंटली आपकी वेब सीरीज आ रही है, मैं उस बारे में आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। डेफिनेटली मैं वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने बॉलीवुड में काफ़ी काम किया है, जैसे मैम ने बताया फिल्म मेरी अच्छी खासी फिल्म रिलीज हो चुकी है, मुन्ना माइकल और नवाज और टाइगर श्रॉफ जी के साथ, दरबार आई थी रजनीकांत जी के साथ। तो अभी रिसेंटली जो मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है छत्रसाल, उसमें आशुतोष राणा जी मेन नेगेटिव में हैं और मैं उनका राइट हैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और बहुत बहुत अच्छी वेब सीरीज है। मतलब ये एक एमपी का एक राजा था, मतलब आई डोंट नो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता उनके बारे में, बिकॉज हिस्टोरिकल मुझे भी नहीं पता काफ़ी। हम जब काम करते हैं और जब उनके बारे में स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि यार ऐसे भी राजा थे, ऐसे भी वॉरियर्स थे इस दुनिया में। तो वो एमपी का एक राजा था जिसने अभी तक कोई भी वॉर हारा नहीं है। इट्स ये बेस्ड उस वेब सीरीज का, और आशुतोष राणा जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छे काम किया मैंने इस वेब सीरीज़ में अभी तक का। वैसे मैंने हर मूवीज़ में काम किया, हर सीरियल्स में काम किया, बट वेब और फिल्म में मेरा अपीयरेंस ज़्यादा रहा है, पर इसमें मेरा विथ परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा काम आपको दिखेगा, और होप आप उसको लाइक भी करेंगे। अभी आपने इतने सालों तक काम किया, आई थिंक ऑलमोस्ट 15 टू 20 इयर्स तो आपको इस फील्ड में हो ही गया होगा। 15 20 इयर्स थिएटर ग्रुप्स एंड देन 8 टू 9 इयर्स इन फुल टाइम इंडस्ट्री, सो ऑलमोस्ट 30 इयर्स। यस, नहीं 25 इयर्स, 20 25 इयर्स, बिकॉज़ 20 उसके बीच में ही मैंने अपना इस जर्नी को स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आप किन-किन एक्टर्स से मिले हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ? फ्रेंकली स्पीकिंग जिन एक्टर्स को मैंने बचपन में देखा था या मैंने कभी जर्नी में कभी फोटोज टंगे हुए देखे थे, उन एक्टर के साथ मैंने काम किया है, जैसे कि नवाज भाई टाइगर श्रॉफ जी के साथ मैंने काम किया है, नरेंद्र झा जी के साथ मैंने काम किया है, रजनीकांत जी के साथ मैंने काम किया है, और संजय मिश्रा जी और राजेश शर्मा जी, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं मैंने उनके, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं मैंने उनके साथ काम किया, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और वही चीज़ मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ अपने लाइफ में और अपने परफॉर्मेंस में। और भी कुछ नाम है, गुलशन ग्रोवर जी एंड आशुतोष रावण सर। ओके,
जिनमें जो प्रोमिनेंट ऑलरेडी रिलीज हो रही है उनके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जितने भी एक्टर्स थे ना नवाज भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मैं ये कहूँगा कि जितने भी सीनियर एक्टर्स हैं मेरा सबके साथ बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। ओके, तो अब तक हमने बात की थी एक्टर अमित की, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करते हैं अमित के बारे में। ठीक है, तो हर एक इंसान सोचता है कि एक्टर की लाइफ कैसी है, कैसे उठते हैं, पूरा दिन क्या चलता है, तो मैं डेफिनेटली आपका एक होल डे का एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा होल डे का एक्सपीरियंस, होल डे का रूटीन, रूटीन उठते हैं, पूरा दिन आपका कैसा चलता है, लाइक होल डे एक्सपीरियंस। यस, होल डे का रूटीन मेरा एक बेसिक रहता है कि हमें अपने आप पे वर्कआउट करना पड़ता है, जिम, मेडिटेशन, वॉइस टोन पे मेडिटेशन, बिकॉज ताकि रीडिंग, ये सब चीज़ें हमारे रेगुलर रूटीन में आती है ताकि जब भी हम काम करें और उन चीज़ों को परफॉर्म करें तो हमें इन चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज एक्टिंग के लिए आपको पहले मेंटली फिट होना पड़ता है, फिजिकली फिट होना पड़ता है, और इनर स्ट्रेंथ की वजह से भी आपको फिट होना पड़ता है, ताकि आपको डाइट को मेंटेन करना पड़ रहा है, आपको फिजिक्स को मेंटेन करना पड़ रहा है, और आपके लैंग्वेज, अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करना पड़ता। तो ये मेरा रेगुलर वही रूटीन रहता है कि पहले मैं 2-2.5 घंटा 3 घंटा अपने आप को दूँ, एंड आफ्टर दैट आई कैन स्टार्ट माय डे टुवर्ड्स माय वर्क, एंड जो भी मेरी मीटिंग्स होती है, जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स के डिस्कशन होते हैं। लाइक तो एज एन एक्टर आपका फेवरेट एक्टर कौन है? यार फ्रैंकली स्पीकिंग पहले तो मैंने मेरी जहन में थे कि अमिताभ सर, उसके बाद मैंने नवाज भाई के साथ काम किया तो मुझे उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। तो फ्रैंकली स्पीकिंग यार मेरे लिए सब गुरु, मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि एक ही एक्टर मेरे लिए गुरु, मेरे लिए सब गुरु हैं, बिकॉज हर एक्टर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। तो देखो यार, आप लाइक करना और गुरु माना, मैंने ना लाइक नहीं, मैंने सबको गुरु ही माना, तो उनसे मैंने बहुत कुछ ग्रैब किया है, बहुत कुछ सीखा है। ताकि क्या है ना कि हम एक चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, हमें सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ, बिकॉज लाइफ में जब तक हम हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, देखो हर एक्टर अच्छा है, हर एक्टर अच्छा ही है, तो हमें क्या उसमें अच्छा है, क्या सीख सकते हैं, हम उन चीज़ों को फोकस करते हैं और उनमें ही से हम लेते हैं। तो मेरे नवाज़ भाई हैं जिनके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनका एक ही डायलॉग बहुत मुझे अच्छा लगा, आज भी मैं अपनी चीज़ों में अप्लाई करता हूँ। फिल्म चाहे कैसी भी हो, लोगों को मेरा काम अच्छा लगा ना, बस मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यू नो, अगर कोई भी एक इंसान एक मामूली सा छोटा रोल कर लेगा या फिर फिल्म में एज अ बैकग्राउंड भी कर लेंगे, तो वो अपने आप को एक्टर एक्टर कह के चालू हो जाते हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए और आज की जनरेशन या लोगों को देखा जाए, तो एक सीन करेंगे या एक फिल्म में बैकग्राउंड में भी आ जाएंगे तो एक्टर 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 करके हर किसी को पता चल जाता है। इवन एक मैं बेसिक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपके पास कैमरा है तो यू आर अ फोटोग्राफर, तो इस बारे में, इस एटीट्यूड के बारे में आपका क्या कहना है? फ्रैंकली स्पीकिंग ये एटीट्यूड मैं कैरी नहीं करता हूँ, बिकॉज कैसा है ना कि मैंने अगर मैं ये एटीट्यूड कैरी करूँगा कि मैं एक्टर हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मुझे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास जाना पड़ेगा, यार मैंने काम किया, अरे मैंने काम किया, तो सामने वाला बोलेगा यार इसने काम किया बता क्यों रहा। तो मैंने अपने लाइफ में ना कुछ रूल्स सेट किए हैं अभी तक, जिसके वजह से मैं अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ और आगे सस्टेन करूँगा। मैंने अपने लाइफ में एक ही रूल सेट किया है, देख काम तो मैं करता हूँ, उसके लिए मैं खुद क्यों बोलूँ? पब्लिक है वो जज कर सकती है, पब्लिक जज करेगी, देन आई फील समथिंग गुड कि मैं हर किसको, क्योंकि क्या है फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आज भी कहीं पर रहता हूँ किसको पता नहीं चलता, पर जब वो देखती है दे आर सरप्राइज्ड, यार तू इतना बड़ा काम करता है फिर भी तू कुछ बोलता नहीं है। मैंने बोला यार फ्रैंकली स्पीकिंग आप पब्लिक बात करती है, काम बात करता है, क्योंकि मुझे जो भी काम करना है फ्रैंकली स्पीकिंग कैमरा के सामने काम करता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको लाइफ में, आपने बहुत अच्छा कहा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ज़मीन से जुड़े रहें, ये आप कहीं पे भी दिल पे और दिमाग में लिख लो, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्यूचर तक काम आएगी। अगर आप ज़मीन से जुड़े नहीं होना तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होने वाला है। तो आई डू सजेस्ट टू वन थिंग, ज़मीन से जुड़े रहो, बाकी तो आपकी ज़िंदगी सेट, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा कैमरा, सॉरी, और हाँ जैसे कि इन्होंने कहा टैलेंट पब्लिक जज कर सकती है,
हम अपने आप को बोलने से कोई मतलब ही नहीं। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ, सुपर स्टार हूँ, और पब्लिक ने देखा भाई तूने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर मैं तो फिर बोलने के लायक नहीं रहूँगा। बट अब मैं बोलूँ यार मैंने तो कुछ नहीं, पब्लिक पर बे यार तेरा काम देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फील यार था यार चलते रहता करते रहता, बस दुआ दें और अभी करता रहूँ। Exactly. या तो मैंने वही बोलूँगा कि मैंने हर सीनियर एक्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो सब मेरे गुरु ही हैं। राइट, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के लोगों के लिए, आजकल के जनरेशन के लिए, कि हम एक फिल्म करें, दो फिल्म करें, दे कॉल देमसेल्फ एज एक्टर, और जैसे अगर आपके पास कैमरा हो गया तो यू आर अ फोटोग्राफर। तो जितना आप आगे जा रहे हैं यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर सीनियर्स। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन, सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं ये बोलना चाहूँगी एंड पूछना भी चाहूँगी, आजकल के यंग जनरेशन को एंड स्पेशली उल्लासनगर के यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्री, मैं यही कहना चाहूँगा भाई, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो, आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या करना चाहते हो, तो पहले अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को समझो, आपको एक्टिंग किस लेवल पे आती है, किस लेवल पे करना चाहते हो, चीज़ों को समझो, ट्रेंड हो, देन आप इंडस्ट्री में ट्राई करो। बिकॉज कैसा ना कि ऐसा ना हो कि आप ट्राई करने के बाद, देखो लॉटरी हर किसकी लगती है, पहले ही लॉटरी हर किसकी लगती है, पर उस लॉटरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितनी बार लॉटरी में हार डालोगे आपकी लॉटरी या जैकपॉट लगना ही है। तो वैसे ही अपनी इंडस्ट्री है कि आपको अपने टैलेंट के बेस पे आगे बढ़ना है, तो पहले आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाइए, अपने चीज़ों को समझिए, जानिए, देन आप इस चीज़ में हार डालिए ताकि आपको उन चीज़ों को रिस्पॉन्स अच्छा मिले एंड यू विल फील गुड समथिंग फॉर दैट। इससे पहले जो मेरी वेब सीरीज़ है मैं उसके बारे में ये बताना चाहूँगा, वो वेब सीरीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है छत्रसाल मैक्स पिलर पे, और मतलब काफ़ी कैरेक्टर्स को अच्छा रिस्पांस मिला है और वर्ल्ड वाइड बहुत प्यार मिला है इस वेब सीरीज़ को, और आपके इस बंदे को अमित लेखवानी को बहुत बहुत ऑडियंस ने प्यार दिया है, उनको मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी डेफिनेटली उन चीज़ों को देखिए एक बार, आपके एक उल्लासनगर के बंद, एक उल्लासनगर का एक बंदा है जो उस लेवल पर काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम किया है इस वेब सीरीज़ में। थैंक यू, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड ऑल्सो आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड आशा करते हैं आपके जो न्यू वेब सीरीज आई है उसमें आपको बहुत सारी सफलता मिले, बहुत सारा प्यार मिले। एंड आप सभी दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि जरूर जरूर जाके ये वेब सीरीज देखिए और इन्हें ढेर सारा प्यार दीजिए। साथ ही साथ आई होप आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी होगी, तो जाके जरूर DM कीजिए और उन्हें बहुत सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। एंड आई होप आप सभी को भी ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, धन्यवाद। और उसके पहले मैं आपकी पूरी टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ताकि ये मौका मुझे बार बार मिलता रहे और ऐसी विशेष मिले ताकि मैं हर 3 महीने में आके आप बोलूँ यार मेरा एक प्रोजेक्ट आपके सामने है, प्लीज़ उनको देखिए। थैंक यू मंच TV एंड कोणार्क न्यूज़, आपने ये मुझे मौका दिया फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।